स्वागत है दोस्तों, आप सभी का संकल्प पे यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बंसल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में हमारा सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में से। इससे पहले जो पिछला लेक्चर हमने कवर किया उसमें हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट का, कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है और उसकी जो टर्म्स है प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम, ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या होता है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसको पहले जरूर देखें। ये वीडियो देखने से पहले वो ज्यादा जरूरी है, तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। तो आइए आज दोस्तों शुरू करते हैं इसमें आज हमारे एडवांस लेवल क्वेश्चन। तो क्या बोलता है, ऑन अ सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 12.5 इयर्स बिकम्स 3/4 ऑफ द सम। कहते एक सर्टेन सम है यानी कुछ प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 12.5 इयर्स वो कितना हो जाता है 3/4 ऑफ द सम, मतलब जितना प्रिंसिपल उसका 3/4। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, तो बहुत आसान है। इसमें हम पहले बेसिक से करेंगे वैल्यूज एज्यूम करके, उसके बाद एक ट्रिक के साथ भी इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वैल्यूज एज्यूम करके चलते हैं, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितने रुपए है जी 100 रुपए, मान के चलते हैं प्रिंसिपल कितने रुपए है जी 100। तो उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा जी 3/4 ऑफ द सम, यानी सम प्रिंसिपल उसका 3/4 कितना बनेगा जी 75 रुपीज। तो 100 रुपए प्रिंसिपल के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग गया जी 75 रुपीज। कब, कितने साल में लगा जी ये 12.5 इयर्स के अंदर लगा, तो टाइम भी हमें गिवन है। अब हमें पता क्या करना था, रेट पता करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें चार में से तीन चीजें पता है जी, ठीक है जी, प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है। तो रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा और 12.5 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला 6%। तो ये भी एक आसान मेथड है, इससे भी क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब एक सेकंड ट्रिक, जो ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत आसानी से क्वेश्चन ऑरली आप कर पाएंगे, वो क्या है, फ्रैक्शन को यूज करते हैं यहाँ पे दोस्तों। उसने बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/4 ऑफ द सम, जितना प्रिंसिपल उसका 3/4। अब फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में देखूं, 3/4 कितने परसेंट के इक्वल होता है दोस्तों 75%, यानी सिंपल इंटरेस्ट टोटल जो है वो कितना बनेगा 75% बनेगा जितना प्रिंसिपल होगा। तो ये 75% टोटल इंटरेस्ट लगा कितने साल के अंदर, 12.5 साल, 12.5 इयर्स। और 12.5 इयर्स में टोटल इंटरेस्ट 75% लगेगा, तो पर एनम हमें पता करना हर साल कितना होगा। तो 75 को 12.5 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 6%। तो बहुत आसान है, सिर्फ फ्रैक्शन को ही यूज करके परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2.5 इयर्स एट 12% पर एनम इज 40 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3.5 इयर्स एट 10% पर एनम। कहते एक सम ऑफ मनी के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है 12% के अकॉर्डिंग 2.5 साल के अंदर, उसकी वैल्यू 40 रुपए कम बनती है जी किसके, किससे, उसी सम के ऊपर अगर हम 10% रेट पे दे रहे हैं और टाइम कितना उस केस में 3.5 साल। तो बेसिकली हम दो बंदों को पैसा दे रहे हैं सेम अमाउंट सेम सम यानी सेम प्रिंसिपल हम दो बंदों को दे रहे हैं। पहले बंदे को हम 2.5 इयर्स के लिए पैसा देते हैं और उसके लिए हम रेट कितना चार्ज करते हैं 12%। दूसरे बंदे को हम 3.5 इयर्स के लिए पैसा देते हैं और उससे हम कितना रेट चार्ज करते हैं जी 10%। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, जो पहला बंदा है जिसको हमने 12% पे दिया, वो जो इंटरेस्ट हमें दे रहा है वो 40 रुपीज कम बनता है दूसरे बंदे से, यानी कि दोनों बंदे जो सिंपल इंटरेस्ट हमें पे करेंगे उसके, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 रुपीज होना चाहिए।
तो अगर हम इक्वेशन बना के करते हैं तो हमें ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे वाले का सिंपल इंटरेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस। तो पहले हम इक्वेशन से देखेंगे, फिर इसको ऑरली कैसे करना है परसेंटेज के बेसिस पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो पहले देखते हैं जी, अब प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है, तो प्रिंसिपल को हम पी एज्यूम कर लेते हैं, प्रिंसिपल दोनों के लिए क्या है पी, ठीक है जी। अब पहले बंदे का टाइम कितना है जी 2.5 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका 12.12%, ठीक है। दूसरे बंदे का टाइम 3.5 इयर्स है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोनों का, इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा P into R into T by 100, और इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा P into R into T by 100। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि पहला वाला बंदा जो ये वाला, इसका इंटरेस्ट दूसरे बंदे से 40 रुपए कम, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो 40 का इक्वल हो जाएगा, तो P इंटू 10 इंटू 3.5 बाई 100 माइनस P इंटू 12 इंटू 2.5 बाई 100, इसकी वैल्यू कितनी है जी 40। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ये बन जाएगा हमारे लिए 35P माइनस 30P इज इक्वल टू 40, और 5P अपॉन 100 is equal to 40। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा दोस्तों 800। तो प्रिंसिपल कितना हुआ इस हिसाब से 800 रुपए हुए। तो ये एक पूरा डिटेल्ड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखते हैं ट्रिक, ठीक है जी। ट्रिक के साथ हम सोचेंगे परसेंटेज के बेस पे, ठीक है जी। बहुत आसान हो जाएगा ट्रिक के साथ ये क्वेश्चन। क्या है, पहला बंदा 12% हर साल इंटरेस्ट पे करता हमें, और उसने टोटल कितने साल पे करना है 2.5, एक साल में वो 12% पे करता है, तो 2.5 इयर्स में वो टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेगा मुझे 30%। पहला बंदा टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेगा मेरे को 30%। सिमिलरली दूसरा जो बंदा है उसका हर साल कितना रेट चार्ज कर रहे हैं हम 10%, और उसका टाइम पीरियड कितना है 3.5 साल, तो 10% इंटू 3.5, ये टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेगा 35%। यानी एक बंदा हमें पे कर रहा है जी 35% इंटरेस्ट, और दूसरा बंदा हमें पे कर रहा है 30% इंटरेस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो 40 रुपए, और जो डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें दोस्तों 5%। तो 5% की वैल्यू 40 रुपए बनती है, तो टोटल हमें निकालना यानी 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो ये ट्रिक बनती है दोस्तों इस क्वेश्चन की, कि हम परसेंटेज के बेस पे कैलकुलेट डिफरेंस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत क्वेश्चंस में लगाई जा सकती है। तो जहां पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, परसेंटेज और टाइम पता हो, तो वहां पे आप कोशिश करें कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के उस परसेंटेज को ही कैलकुलेट करें। आइए अगला एक और ट्राई करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स। कहते कोई पैसा हमने एक सर्टेन रेट के ऊपर 3 साल के लिए किसी को दिए, हमें ये नहीं पता कितना प्रिंसिपल है, हमें ये नहीं पता कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट 3 साल के लिए पैसे दिए। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, इट वुड हैव फेच्ड 360 मोर। कहते अगर वही पैसा वही टाइम के लिए 2% ज्यादा रेट पे मैं देता किसी को, तो मुझे 360 रुपीज का फायदा होना था। मतलब जितने रेट पे मैं पहले दे रहा हूं उससे 2% एक्स्ट्रा अगर मैं चार्ज करूंगा, तो टोटल मेरा फायदा कितना बनेगा 360 रुपए। अब देखो हर साल मैं 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाऊंगा, अगर मैं 2% ज्यादा चार्ज करता हूं तो हर साल मैं कितने परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज कमाऊंगा जी 2%। तो टोटल मैंने कितने साल बाद के लिए पैसे दिए, 3 साल के लिए, तो 3 साल में मैं टोटल कितना एक्स्ट्रा कमा जाऊंगा जी 6%। तो इतना परसेंट का मेरा फायदा हो जाएगा टोटल 3 साल के अंदर। तो ये फायदा हमें बताया गया कितना है जी 360 रुपए। तो 6% की वैल्यू हमें मिल चुकी है 360। हमें प्रिंसिपल पता करना, प्रिंसिपल होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360/6×100, तो ये बन जाएगा दोस्तों 6000। तो प्रिंसिपल कितना हुआ जी 6000। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम Will a sum of money
डबल इटसेल्फ इन 10 years। कहते हैं जी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई पैसा डबल हो जाएगा 10 साल के अंदर। ठीक है जी, किसी को कोई पैसे हमने दिए और वो हमें डबल करके दे रहा है कितनी देर में, 10 साल में। तो रेट हमें निकालना है, यानी कि अगर मैं किसी को 100 रुपये उधार दे रहा हूं प्रिंसिपल, तो वो 10 साल बाद मुझे कितने वापस कर रहा है, इसका डबल वापस कर रहा है, यानी कि 200 रुपये वापस कर रहा है। और इस हिसाब से उसने इंटरेस्ट कितना बन गया, 200 में से 100 माइनस करके 100 रुपये इंटरेस्ट लग गया जी। अब ये 100 रुपये इंटरेस्ट कितने साल में लगा, 10 साल में। ठीक है जी, हमें बताया हुआ टाइम कितना है, 10 साल। हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे रेट कैलकुलेट करनी। तो हमें तीन चीजें पता है, प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है। तो रेट कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम हमारे लिए 10। तो रेट कितना आ जाएगा जी यहां से दोस्तों, 10%। अब ये तो हो गया वैल्यू एज्यूम, एज्यूम करके हम चल रहे हैं। अगर मैं इसको सिंपली परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचूं, जब पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, डबल होने का मतलब होता है 100% इंक्रीज होना। डबल होने का मतलब होता है 100% इंक्रीज, मतलब जितना पैसा हमने उधार दिया उतना ही उसके अंदर ब्याज जुड़ गया। ठीक है जी, तो 100 रुपये दिए थे तो 100 उसमें ब्याज जुड़ गया, तो 100% इंक्रीज है। तो ये टोटल रेट बन गया दोस्तों आपके लिए 100%, मतलब इतना इंटरेस्ट चार्ज किया गया। और ये इंटरेस्ट कितने साल में चार्ज हुआ दोस्तों, 10 साल में। तो 100% अगर 10 साल में हो रहा है, तो 1 साल के अंदर कितना होगा, 10%। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, फिर परसेंटेज के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया। तो अगर आप ये चीज सोच सकते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, ऑरल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यहाँ डबल की बजाय 3 times होता, यानी ट्रिपल होता, तो ट्रिपल का मतलब होता है 200% इंक्रीज। अगर 4 times होता, 4 गुना, तो उसका मतलब होता है 300% इंक्रीज। तो ये सारा आपके लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको पर ईयर का रेट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी बनाया है जी शॉर्टकट। ठीक है जी, वो क्या है, आर इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टी इन टू 100। ये हमारे लिए फॉर्मूला भी बनता है। आर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना पैसा हो रहा है, और टी हमारे लिए टाइम। तो इस क्वेश्चन में एन हमारे लिए 2 था, माइनस वन, और कितना टाइम गिवन है, 10 × 100। तो 1 × 10 कितना हो जाएगा रेट हमारे लिए, 10%। तो ये एक ट्रिक भी बनती है इसके लिए। तो आप चाहे तो ट्रिक यूज करें, आप चाहे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलें, अगर आपको ये वैल्यू एज्यूम करके ठीक लगता है तो आप वैल्यू एज्यूम करके भी चल सकते हैं। ठीक है जी, अब इस ट्रिक को हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें रेट कैलकुलेट गिवन है और टाइम कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, टाइम उधर चला जाएगा, रेट इधर आ जाएगा। तो टाइम भी निकाला जा सकता है और रेट भी निकाला जा सकता है, तो दोनों चीज के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं कैसे। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट अ सर्टेन रेट इन 5 years। कहते कोई पैसा डबल हो रहा है 5 साल के अंदर, हमें यह बताना है कितने साल के अंदर वही सेम पैसा 8 गुना हो जाएगा सेम रेट पे। प्रिंसिपल सेम रहेगा, पहले केस में वो डबल हो रहा है, दूसरे केस में वो 8 times हो रहा है। ठीक है, पहले हमें रेट पता करना पड़ेगा, उसके बाद हमें टाइम पता करना पड़ेगा। तो वही ट्रिक यूज करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की, आर इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन टी इन टू 100। तो यहां से एन, एन कितना गिवन है हमें, डबल, तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 कितने साल में डबल हुआ है, 5 साल में। तो यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया दोस्तों 20%। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि यही पैसा, यही रेट 8 गुना कितने देर में होगा। अब हमें टाइम निकालना है। ठीक है जी, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यही हो जाएगा। अब रेट हमें पता है, तो टी इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर इन टू 100 कर देंगे। इस केस में हमें टाइम पता है, ठीक है जी, सॉरी रेट पता है। अब n कितना है इस बार, 8 times, यानी n की वैल्यू 8 माइनस 1, और r कितना है जी, 20, वो हमने कैलकुलेट किया, इंटू 100। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 years। तो 35 years में जाके वो पैसा 8 गुना हो जाएगा। तो ये ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की एक और ट्रिक भी मैं आपको बताने लगा हूं, वो बहुत आसान ट्रिक है, इससे भी ज्यादा इजी करेगी उस क्वेश्चन को। तो आइए वो ट्रिक हम देखते हैं क्या है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास चार चीजें हैं जी, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम है, चार चीजें हमारे पास, ठीक है जी। अब मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल पी है, ठीक है, पहले केस में ये डबल हो रहा है तो अमाउंट कितनी हो रही है 2p, और इसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2p में से p माइनस कर दीजिए, 2p में से p माइनस किया कितना हो गया p, कितने साल में हुआ 5 साल, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर थी। सेकंड केस में प्रिंसिपल फिर तो वही है, अब 8 गुना हो रही है अमाउंट, यानी अमाउंट 8p है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना बन जाएगा, 8p में से p माइनस करेंगे 7p हो जाएगा। तो यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, हमने अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन नहीं की। अब बस आपको एक ही चीज करनी है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। आपने ये देखना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट कितनी रेशियो बना रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है जी, पी से 7p होगा यानी 7 गुना हो गया, तो टाइम भी 7 गुना हो जाएगा, 35 ईयर्स आपका आंसर आएगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है जी बार बार एग्जाम के अंदर, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आइए एक और ट्राई करते हैं सेम, ताकि आपको अच्छे से और क्लियरिटी आ सके। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट अ सर्टेन रेट इन 12 ईयर्स, एक पैसा जो है ट्रिपल हो रहा है जी, 3 गुना हो रहा है 12 साल में, हमें बताना है कितने साल के अंदर वही पैसा 5 गुना हो जाएगा सेम रेट के ऊपर। तो सेम सिचुएशन है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम, तो प्रिंसिपल को पी मानेंगे। अब क्या हुआ, ट्रिपल हुआ, ट्रिपल हुआ यानी 3p हुआ, और सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 3p में से माइनस करके 2p, कितने साल में हुआ जी, 12 साल में हुआ, ठीक है। दूसरे केस में भी प्रिंसिपल तो पी रहेगा, 5 गुना हो गया जी, अमाउंट कितनी बन गई 5p, और इस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5p में से p माइनस करेंगे 4p। अब देखो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2p से 4p डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 24, तो आंसर आया हमारे लिए 24 ईयर्स। हाँ जी, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बट इससे पहले आप पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया है, वो वीडियो, फिर उसके बाद ये दोनों वीडियोस आप अच्छे से कर लें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम कंपाउंड इंटरेस्ट की भी सीरीज लेके आएंगे डिटेल में, तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो वीडियोज को मिस ना करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।